मेरे पापा से मिलाए, प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँ, मुझे अपने, मैं अपने पापा से मिलना चाहती हूँ, मैं उनसे जिसके पास भी है, मैं मेहरबानी करके कर बोर्डियो को उससे मिला दीजिए, प्लीज मुझे उसे मिलना है। हम बहुत परेशान हैं तब से, मुझे उसे अपने पापा से। मैं बाजिला रियाज खान है, मैं उनकी बेटी हूँ। तो वो जम्मू गए थे, वो वहाँ पर काम करते हैं, वो गए थे लेकिन वहाँ पर कोविड टेस्ट के बगैर एंटर करने नहीं देते हैं ऑफिस में। वो गए थे कोविड टेस्ट करने के लिए, वो जब कलेक्ट करने के लिए गए थे तो वो वहाँ से तब से मिसिंग है, थर्सडे से। तब से हमें उनका कुछ ना फ़ोन आया ना उनका पता है वो कहाँ पर। अब हमने वहाँ पर जम्मू के जो पुलिस थाना है वहाँ पर भी मतलब FIR काटी थी, लेकिन वो बोल रहे हैं हम वहाँ पर ट्रेस कर रहे हैं एक दूसरे का, मतलब जिन पे हमें डाउट था हमने उनका नंबर भी दिया, उनका भी नंबर ट्रेस कर रहे हैं। अब हम बोल रहे हैं कि अब जहाँ पर भी जिसके पास भी है प्लीज़ मेहरबानी करके हमें मेरे पापा से मिलाए, प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँ, मैं अपने पापा से मिलना चाहती हूँ, मैं उनसे जिसके पास भी है, मैं मेहरबानी करके कर बोर्डियो को उससे मिला दीजिए, प्लीज़ मुझे उसे मिलना है। हम बहुत परेशान हैं तब से, मुझे उसे अपने पापा से। मनी क्यों है ना पीछे थोड़ा पीछे। मैं बाजिला रियाज खान है, मैं उनकी बेटी हूँ। तो वो जम्मू गए थे, वो वहाँ पर काम करते हैं, वो गए थे लेकिन वहाँ पर कोविड टेस्ट के बगैर एंटर करने नहीं देते हैं ऑफिस में। वो गए थे कोविड टेस्ट करने के लिए, वो जब कलेक्ट करने के लिए गए थे तो वो वहाँ से तब से मिसिंग है, थर्सडे से। तब से हमें उनका कुछ ना फ़ोन आया ना उनका पता है वो कहाँ पर। अब हमने वहाँ पर जम्मू के जो पुलिस थाना है वहाँ पर भी मतलब FIR काटी थी, लेकिन वो बोल रहे हैं हम वहाँ पर ट्रेस कर रहे हैं एक दूसरे का, मतलब जिन पे हमें डाउट था हमने उनका नंबर भी दिया, वो उनका भी नंबर ट्रेस कर रहे हैं। अब हम बोल रहे हैं कि अब जहाँ पर भी जिसके पास भी है प्लीज़ मेहरबानी करके हमें मेरे पापा से मिलाए, प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँ, मैं अपने पापा से मिलना चाहती हूँ, मैं उनसे जिसके पास भी है, मैं मेहरबानी करके कर बोर्डियो को उससे मिला दीजिए, प्लीज़ मुझे उसे मिलना है। हम बहुत परेशान हैं तब से, मुझे उसे अपने पापा से। जी, मेरा नाम परवेज अहमद खान है, मेरा ब्रदर रियाज अहमद खान जो कि डिफेंस में ही काम कर रहा है, CSG डिपार्टमेंट आर्मी कैंटीन है, वो डिफेंस का ही बंदा था। अभी वो पिछली थर्सडे को वो मिस हुआ है बख्शीनगर हॉस्पिटल से। 30 तारीख को वो यहाँ से निकला था ज्वाइन करने के लिए ड्यूटी, तो उनको COVID-19 टेस्ट सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए वो जम्मू गया था, जम्मू JVC हॉस्पिटल। लेकिन सर्टिफिकेट हासिल करने से ही पहले वो मिस हो गए। तो मैं आपकी चैनल की वसल से मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूँ, IG साहब से, DIG साहब से, SP साहब से कि वो इस बात की तहकीकात करें, क्योंकि 8 दिन हो गए हमें, 8 दिन से हमें कोई पता नहीं चल रहा है। ये डिफेंस का ही बंदा है, आर्मी का ही बंदा है। तो अगर आम सिविल डिपार्टमेंट की बात करें तो कोई तो उनकी तो बात ही नहीं है। फिर आप बताएं कि ये तो इनका ही अपना बंदा है, आर्मी का बंदा, वो जम्मू में मिस हुआ है। अगर सिविल मिस वहाँ पर होगा तो फिर जब अपना ही कुछ बंदे के बारे में कुछ क्लू नहीं मिल रहा है तो सिविलियन की क्या बात करेंगे। ये तो डिफेंस का ही बंदा है। अब हम आपकी चैनल की वजह से उनसे अपील करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, DIG साहब से, IG साहब से, सारे अहदेदारों से अपील करते हैं। 8 दिन हो गए हमें अपने भाई के लिए तड़प रहे, और मेरी माँ जो कि हार्ट पेशेंट है उनको बार बार हमें ऑक्सीजन लगाना पड़ता है,
लेकिन यहाँ पर इनको कोई भी ज़रा से भी दर्द एहसास नहीं हो रहा है कि एक बंदा हमें मिस हुआ है। इतने 8 दिन हो गए यहाँ पर, तो 24 घंटे में पुलिस पता लगाती है कि मोबाइल कहाँ है या आपको ये बंदा कहाँ है। आज 8 दिन हो गए, ये हमें सिर्फ बता रहे हैं कि नहीं पता नहीं चल रहा है, नहीं पता नहीं चल रहा है। आप ही बताए कि हम क्या करें, किसके पास जाए, कहाँ जाए। ये डिफेंस का ये बंदा है, अगर हम जाएँ तो किसके पास जाए। अगर वो सिविल होता तो मैं सिविल मानता कि मैं आर्मी के पास जाऊँ, किसी के पास जाऊँ कि ये सिविल है, लेकिन ये इनका अपना बंदा है, डिफेंस का ही है। इनको भी ज़रा से भी थोड़ा ध्यान दे कि ये कहाँ पर है। 8 दिन से हम तड़प रहे हैं अपने भाई के लिए।